हवामान विभाग द्वारा राज्यना अनेक विस्तारों में 5 दिवस सुधी भारे वरसाद की आगाही करवामां आवी छे, जेमां गई काले जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ सहित अनेक विस्तारों में भारे वरसाद अने पूरनी स्थिति ने पगले भावनगर जिल्ला में पण रेड अलर्ट होय अने आजे एनडीआरएफ की एक टुकड़ी भावनगर आवी पहुंची छे। ગુજરાતના અનેક જિલ્લાઓમાં પડી રહેલા અતિભારે વરસાદના કારણે રેસ્ક્યુ કામગીરી માટે એનડીઆરએફની ટીમો તૈનાત કરી દેવામાં આવી છે, જે અંતર્ગત ભાવનગર જિલ્લામાં રેડ એલર્ટને પગલે એનડીઆરએફની એક ટીમ સ્ટેન્ડ બાય કરી દેવાઈ છે, જેને લઈને ભાવનગર ખાતે એનડીઆરએફની બટાલિયન 6 ના 25 જવાનો સાથેની એક ટીમ આવી પહોંચી હતી, જે જરૂર પડીએ જિલ્લાના અસરગ્રસ્ત વિસ્તારમાં ટીમને મોકલવામાં આવશે। खास करीने महुआ अने तळाजाना दरियाई कांठा विस्तारना अनेक गामोमां वरसादी पाणी भराई जता होय छे, जेना कारणे स्थानिक लोकोनी मुश्केली भोगवानो वारो आवे छे। त्यारे एनडीआरएफनी टीम आवा विस्तारोमां पहोंची असरग्रस्त लोकोने रेस्क्यू करी सलामत स्थळे खसेडवामां मदद करशे। मैं इंस्पेक्टर जी 3 तारीख 6 बटालियन एनडीआरएफ वडोदरा से हूँ। हमारा जो हेडक्वार्टर है वडोदरा में है और उसके जो है कमांडेंट श्री अजय कुमार तिवारी के नेतृत्व में हमारी जो है टीमें काम करती है, और फिलहाल हमारी जो टीमें हैं लगभग गुजरात के सभी जिलों में तैनात है और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए तैयार है। जैसे कल हमें सूचना मिली कि यहाँ पर जो है प्राकृतिक आपदाएं में जैसे कि बाढ़ जैसी आशंका आने का पूरा जो है एक आशंका है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम जो है तैयार होकर यहाँ पर टीम के साथ एक टीम में लेकर आया हूँ। और इस टीम में हम जो साथ में लेकर चलते हैं उसमें मोस्टली अभी फिलहाल जो है फ्लड वाटर रेस्क्यू का सामान, इसके अलावा सीएसआर और एमएफआर की भी पूरी तैयारियों के साथ हम जो है तैयार रहते हैं। हिरेन चौहान साथ इरफान सोलंकी की रिपोर्ट, S9 न्यूज़ भावनगर।